जब तक आपको फाइन नहीं, जुर्माना नहीं लगेंगे ड्राइवर के ऊपर या मालिक के ऊपर, तब तक यहाँ स्पीड से ट्रक चलता रहेगा और इसी तरह से एक्सीडेंट होता रहेगा। आज मेरे पापा हुए हैं, कल आपके भाई होंगे, परसों आपके बेटा होंगे या और भी कोई किसी का होगा। ऐसी किसी बुजदिल ड्राइवर के चलते या तो नशेखोर ड्राइवर के चलते आपके पापा आज चले गए दुनिया से वक्त से पहले। जी, दो भाई जो आपके सऊदी में हैं, कब तक आप आएंगे? सऊदी भाई नहीं आ पा रहा, वहाँ उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, कंपनी नहीं दे रही। बाकी जो इंडिया में दो भाई हैं वो लोग आ रहे हैं। ये जब से हाईवे बना है हमेशा एक्सीडेंट होते रहा है और होता रहेगा, जब तक यहाँ के झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं और बोकारो के RTO साहब हैं, जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा सही। खांसी का जो मेडिसिन है उसके लिए लेके जा रहे थे। पारी कोऑपरेटिव के सामने में एक हाइवा अनियंत्रित होने के कारण एक ऑटो को चपेट में ले लेती है, उसी में दो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक है अबुल कलाम चचा जी हैं, जिनकी उम्र लगभग हमको लग रहा है कि 60-65 साल, उन्नासी साल। अच्छा बताइए कि ऐसे ड्राइवर जो लोग बुजदिल हैं, जो लोग नशा करते हैं या जो लोग ऐसी तरह गाड़ी चलाते हैं कि उनको समझ में नहीं आती कि हम गाड़ी चला रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, ऐसे लोग क्या बोलना चाहिए? उस पे ट्रांसपोर्ट DTO साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए। ओवरलोडिंग हो या नशा में जो गाड़ी चलाते हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। आपको ये लगता है कि किसी बुजदिल ड्राइवर के चलते या तो नशेखोर ड्राइवर के चलते आपके पापा आज चले गए दुनिया से वक्त से पहले? जी यही समझेंगे हम। दो भाई जो आपके सऊदी में हैं, कब तक आप आएंगे? सऊदी भाई नहीं आ पा रहा, वहाँ उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, कंपनी नहीं दे रही। बाकी जो इंडिया में दो भाई हैं वो लोग आ रहे हैं। तो कब तक मिट्टी हो जाएगी? कल असर के बाद, असर नमाज के बाद। सुनिए मेरे गंजड़ी नशेड़ी बदतमीज़ ड्राइवर लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए ड्राइविंग एक जरिया बनाए हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बेशक गाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी नासमझी किसी शरीफ इंसान की जब जान ले लेती है तो उसके पीछे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, मैंने पहले वीडियो में दिखाया, और कई जिंदगियां इस तरह उदास हो जाती है, इस तरह अपनी ज़िंदगी में वो कमी महसूस करने लगते हैं जिनकी कमी वो भरपाई कभी नहीं कर सकते। लग रहा है पापा आपके बहुत प्यारे थे। पापा सभी के प्यारे होते हैं, आपके भी हैं, हमारे हैं, जितने लोग भाई लोग हैं, ड्राइवर भी जो चला रहा वो भी उसके भी पापा प्यारे होंगे, तो पापा तो सभी के लिए प्यारे हैं। तो गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी जहाँ तक जो खबर आ रही है, CCTV फुटेज से जो पता चल रहा है, और उसके बाद ब्रेकर में वो नियंत्रित होकर ऑटो को चपेट में लेती है। तो ये जो स्पीड चलने की वजह है, ये कहीं ना कहीं सड़क पे गति सीमा निर्धारित नहीं किया गया, घनी आबादी है इसको लेकर भी कुछ हो नहीं बोला गया, इसको लेकर कुछ आप बोलेंगे जिला प्रशासन से? जी, RTO साहब को हाईवे रोड पे सेंसर स्पीड लगाना चाहिए और जो ज़्यादा स्पीड से चलाता है उसको उस पर जुर्माना रखना चाहिए। लेकिन ये आप अच्छी तरह समझ रहे कि ये घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ सीमा का एक होना चाहिए। जी, जगह जगह पर बोर्ड लगाना चाहिए। आपकी आवाज़ अभी फ़िलहाल ग्रामीण TV में रिकॉर्ड हो रही है, बहुत दूर तक जाएगी, और कुछ ऐसी बात है जो आपके मन में आए दिन आप अक्सर सड़क से आते जाते रहते हैं, क्या कमी देखते हैं आप, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये जब से हाईवे बना है हमेशा एक्सीडेंट होते रहा है और होता रहेगा, जब तक यहाँ के झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं और बोकारो के RTO साहब हैं, जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा सही। उसके लिए जगह जगह बोर्ड लगाना चाहिए और स्पीड लिमिट बोर्ड रहना चाहिए, घनी आबादी का रहना चाहिए, हो सके तो बाहर के जैसा जो गल्फ में बाहर में जो स्पीड लिमिट सेंसर बोर्ड लगा रहता है, जिससे स्पीड चलाने से आपको फाइन देना पड़ेगा। जब तक आपको फाइन नहीं, जुर्माना नहीं लगेंगे ड्राइवर के ऊपर या मालिक के ऊपर, तब तक यहाँ स्पीड से ट्रक चलता रहेगा और इसी तरह से एक्सीडेंट होता रहेगा। आज मेरे पापा हुए हैं, कल आपके भाई होंगे, परसों आपके बेटा होंगे या और भी कोई किसी का होगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
सिर्फ हाईवे बनाने से नहीं होता है, उसको हाईवे का रूल भी होना चाहिए। झारखंड में ऐसा कहीं ऐसा नहीं है, हाईवे तो बन गया है मगर रूल्स अभी तक हाईवे रूल्स नहीं किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो हाईवे रूल्स बनाएं और उस पर मतलब कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो जिनका पापा होता है उनका दर्द उनको समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है कि आज इनका पापा दुनिया से चले गए, लेकिन ये कमी कितनी बड़ी कमी है ये आप जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। जिसका पापा दुनिया से चला जाता है उन्हीं को पता चलता है कि आखिर ये दर्द कितना बड़ा है। और तमाम बातों के साथ में हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि लोग जो बेधड़क गाड़ी चलाते हैं उसे हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आपने जिसकी जान ली है उसके पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। जी चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नूर रहा। क्या बोलना चाहिएगा इस तरह की घटना से? बोकारो दहल उठा आज सुबह सुबह, बहुत दुखद घटना है। अब इसमें क्या बोला जाए, अब वहाँ तो हम लोग स्पॉट पर थे नहीं, तो कैसे आदमी कुछ किस तरह हुआ नहीं हुआ, किस तरह हुआ नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे ना। लेकिन इस तरह की घटना ना घटे इसको लेकर कुछ सुझाव? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो ज़्यादातर तो वही तो ड्राइवर का ही। इतना जवान भाई है, रोज गाड़ी में आना जाना करते रहते, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम चंगेज खान है। क्या मतलब क्या सुझाव रहेगा आपके तरफ से? सुझाव यही है कि भाई जो भी ड्राइविंग करते हैं वो नशा मुक्त रहें, नशा ना करें, और ब्रेकर हर जो रोड पे नियम कानून है वो सब फॉलो करें, उस हिसाब से चले। बैरियर के भी ब्रेकर की वजह से ही ये घटना घटी? नहीं नहीं, वो आदमी वो ड्राइवर पिया हुआ था, उसके बाद वो नींद में भी था, वो रात में भी गाड़ी चलाया, सुबह सुबह वो ब्रेक मारा और उसका गाड़ी पलटी किया, उस वजह से गाड़ी पलटी किया। ये गाड़ी एक्चुअल अनियंत्रित होने का कारण भी तो पता करना है ना? यही वो नींद और दारू का है। हाँ बताइए, ये पियक्कड़ भाइयों, मेरे गंजड़ी भाइयों, नशेड़ी भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं लेकिन आप कब किसकी जान ले लेंगे, इस तरह अगर काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं खास करके जो भी घटना घटती है, हाइवा ने मारा, कहीं कुछ होता है हाइवा ने मारा। ये अनट्रेंड ड्राइवर एक्चुअल जो है कि हाइवा में ही ट्रेनिंग लेते हैं, ये भी समझ रहे हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं, ज़्यादातर हाईवे हाई हो रहा है। तो ये समझिए, मेरे ग्रामीण टीवी को देखने वाले तमाम भाई, अगर हाईवा गाड़ी आती है तो वो आपको नहीं मारेगी इस ख्याल में मत रहिएगा, उनको आप देख के ही दूर से नमन नमन करके भाग जाइएगा, साइड हो जाइए। क्योंकि ये हाईवा में अनट्रेन ड्राइवर होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी ड्राइवर चांस लेते हैं ड्राइवर कहीं ना कहीं उनको ही खलासी को मौका देते हैं, तो ये है हाईवा गाड़ी। क्योंकि बस में जो ड्राइवर होता है वो तो मालिक बड़ी अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल के बाद में उनको गाड़ी की चाबी देते हैं, लेकिन हाईवा वाले ऐसा नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इसमें तो मिट्टी लोड है। अरे मिट्टी लोड तो गाड़ी में है भैया, रोड में तो आप चल रहे हो, किसको मार रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगी। और अगर किसी को ड्राइवर ही बनाना है तो खुले जगह में दो ना, इस तरह का हाईवे में क्यों देते हो। तो फिलहाल ये रिपोर्ट कैसे लगा आप लोग का, छोटा भाई का? अच्छा लगा तो जोता लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, ताकि आपके बीच में इस तरह के दर्द जो दोबारा ना दिखे इसको लेकर भी हम सचेत करने का प्रयास करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।